कैफे चलेंगे, बहुत जगह घूमेंगे, बस कैफे काफी टाइम से नहीं है तो चलो कैफे चलते हैं। वैसे मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है यार। हां हो तो रहा है काफी अच्छा भैया। गर्मी होती है ना कसम से हालत खराब हो जाती है। गाड़ी में जब तक बैठ रहे हो तब तक सुकून है, जैसे ही गाड़ी के बाहर निकले ना बस वही गर्मी गर्मी। इसकी कॉल आ रही है। क्या करोगी, काट दो ना, कह दो कि बिजी थी मैं। हेलो हेलो। हाँ आकाश, वीडियो तो नहीं दिख रहा तुम्हारा? मैंने अभी रिसीव नहीं किया है, इसलिए दिख रहा है। खुद को लड़की आ गई, उसने भी पैक्स छीन लिया। क्या कर, अरे यार अरे तुम चुप रहो ना एक मिनट को। सब क्या है? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? मतलब ये अपने पति से अलग बात कर रही हो, तुम अलग हो। बेडशीट चेंज क्यों लग रही है मुझे? दो दो लड़के चला रही है ये लड़की। उनसे क्या मतलब है? चलो ठीक है फोन करते हैं। अपने पति से झूठ बोला और यहाँ बिस्तर लगा के चीन उसको झूठ बोल रही है। तुम चुप करो, अपने काम से काम रखो, तुमसे ज्ञान नहीं मांगा है। तो मेरा मेरे हस्बैंड का मैटर और इसका मैटर, तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझ में? अजीब दुनिया है। अरे तुम अपना बोले इससे उठाओ, यहाँ से निकलो। एटलीस्ट काम तो आ गई, बहुत बड़ी बात है। चलो यार आए हाय, आज तो दिन ही खराब है सारा। ये लीजिए सर। इतना टाइम लगा दिया, सारे के सारे काम चोर हो रहे हैं। अरे उसने मूड खराब करा मेरा। एक सेकंड, ये बेडशीट आपको कहाँ मिली? बेडशीट कहाँ मिली, क्या मिला? मेरी लॉन्ड्री की बेडशीट है, और कहाँ मिलेंगी मुझे? एक तो रास्ते में पागल सी औरत पता नहीं क्या करी, आगे मेरी बिस्तर बिछाए सड़क पे और लेट गई उस पर, और पता नहीं किससे वीडियो कॉल पे बात करने लग गई। दिमाग खराब कर दिया, पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया सारा। एक पागल औरत। पागल क्या, मेरी नजर में तो पागल ही होगी कि एक के साथ खड़ी और एक के फोन पे बात कर रही, तो पागल ही हुई ना फिर तो। एक सेकंड, क्या तुम उस औरत को पहचान सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल पहचान सकती हूँ, ऐसे घूर घूर के उसकी शक्लें देखी थी मैंने, पहचान क्यों नहीं सकती हूँ? एक सेकंड, अजीब अजीब से लोग हैं, कैसे कैसे आ जाते हैं यार, समझ ही नहीं आता। क्या वो ये थी? हाँ यही थी वो, यही लड़की थी, यही बिल्कुल सही पहचाना आपने सर, यही लड़की थी वो। मैंने इसको ही देखा था वीडियो कॉल में बात करते हुए किसी लड़के के साथ। पक्का यही औरत थी, तुमने बिल्कुल सही से देखा इसे। अरे सर मेरे को दूरबीन भी लगा के दिखाओगे तब भी मैं पहचान जाऊंगी, यही लड़की थी, पता नहीं किस लड़की के साथ बैठी थी और वीडियो कॉल में बात कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं क्या दूर जमाना आ गया है, एक पति एक बॉयफ्रेंड, इंसानों का एक से मन ही नहीं भरता। और एक बात बताऊं सर, उसको तो देख के नहीं लड़ता, देखने में तो इतनी शरीफ लग रही थी। चलो मुझे क्या, आप पेमेंट कर देना इसका पूरे 375 का, कल आऊंगी। अंकिता ये लो। ये क्या है? डाइवोर्स पेपर। डाइवोर्स पेपर्स, पर ये क्यों? मुझे लगता है कि अब तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। आकाश कैसी बातें कर रहे हो, किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ सर, मुझे इतना प्यार करने वाला पति कहाँ मिलेगा। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें अब कोई और मिल गया है जो मुझसे बेहद ज्यादा प्यार। तुम पागल हो क्या, क्या बोले जा रहे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी या ऑफिस में कुछ हुआ है? ऑफिस में कुछ नहीं हुआ, ऑफिस के बाहर बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया कि इतना मूड अपसेट लग रहा है तुम्हारा?
कितनी बेशरम हो ना तुम, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल लेती हो, वो भी ऐसे जैसे सच बोल रही हो। मैंने क्या झूठ बोला? सीरियसली मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, शायद तुम भी इतना मुझसे प्यार नहीं करते हो। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं? देखो, एक तो तुमने अपनी आदत बातें जो गोल गोल घुमाई है ना, वो छोड़ दो बस, बाकी सब और कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। ठीक है, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ये है ना बात, वो आज लॉन्ड्री वाली औरत तो मिली होगी तुम्हें रास्ते में, जिसकी तुमने चादर छीनी थी और तकिया छीना था। उसके बाद वीडियो कॉल पे हमसे जो कन्वर्सेशन हुई थी वो तो तुम्हें अच्छी तरह याद होगी, है ना? कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मैं घर पे ही थी जब तुम्हारी वीडियो कॉल आई थी ना। तुम घर पे ही थी, तुम अपने आशिक के साथ एक ब्लैक कार में जा रही थी। और कुछ डिटेल में बताओ, कौन से होटल में गई थी, कौन सा रूम नंबर था, और कौन सा खाना खाया था, और कौन सी बैल्कनी वाला रूम था तुम्हारा, और कौन सा अच्छा व्यू आ रहा था, ये सब मैं अपनी जुबान से बताओ या फिर तुम अपने मुंह से कबूलोगे? तुम जो कर आई हो ना, वो मैंने अज्यूम किया है। अरे यार, मैंने क्या मांगा था तुमसे? बस यही तो बोला था ना कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन तुमसे तो एक वफादारी भी ना निभाई गई। बदले में तो मैं जान देने के लिए भी तैयार था। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं तो बोल सकती थी ना, मैं खुद डाइवोर्स दे देता तुम्हें। आकाश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अच्छा, अभी भी तुम्हें लगता है कि ये एक गलती थी? ये गलती नहीं थी, ये धोखा है। धोखा देने वाले को कभी मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि जो एक बार धोखा देता है वो दोबारा भी दे सकता है। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, तुमने मुझे मेरे प्यार का ये सिला दिया। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं उस लड़के से भी बात नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दो। तुम उस लड़के से भी बात करोगी और तुम मुझे धोखा भी दोगी, क्योंकि औरत की फितरत में ही होता है कि उसे जो जितना प्यार करेगा वो उससे उतना ज्यादा धोखा खाएगा। इसलिए बेहतर यही है तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, और खुद को भी और मुझको भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दो, ताकि तुम भी खुश रह सको और मैं भी हमारी यादों के साथ अपनी जिंदगी चैन से बिता सकूं। और हाँ, हो सके तो इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी जिंदगी में मत दिखाना। कभी अगर रोड पे चलते हुए हम दोनों दिख भी जाए एक दूसरे को तो नजर फेर लेना, क्योंकि तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरे घर से जा सकती हो, डाइवोर्स के बाद एलिमिनी के प्रोसेस में पूरा कर दूंगा। मुझे एलिमिनी नहीं चाहिए।